साथियों नमस्कार, मैं राजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की एक 20 साल की लड़की काव्या धाकड़ खुद के अपहरण की साजिश रचती है और खुद ही अपने पिता से 30 लाख रुपए की मांग करती है। बाद में जब पुलिस खोजबीन करती है तो मालूम चलता है कि लड़की अपने माँ बाप को ही बेवकूफ़ बना रही थी। दरअसल इंदौर में रहते हुए लड़की ने अपने माता पिता को शिकायत करी थी कि उसको इंदौर में लड़के परेशान करते हैं। लड़की ने कोटा में जाकर नीट की तैयारी करने की बात कही थी तो माँ उसके साथ कोटा गई और उसका एडमिशन कोचिंग में करा दिया। माँ तो वापस आ गई लेकिन काव्या ने ना तो कोचिंग ज्वाइन करी ना ही कोटा में हॉस्टल में रही। वो तो एक नाटक था। काव्या धाकड़ इंदौर में एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। संभवतः वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। काव्या धाकड़ इंदौर में अपना ही अपहरण कर खुद ही अपनी फोटो भेजकर माँ बाप से 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग करती है। सवाल यह है कि इतना पैसा चाहिए क्यों था। काव्या धाकड़ शिवपुरी के पास एक गांव की रहने वाली है। गांव की बंधन भरी रूढ़िवादी जिंदगी से निकलकर इंदौर जैसे उन्मुक्त शहर में जाकर रहना तो वहाँ के मुक्त वातावरण से खुद को बचा पाना कठिन होता है। जब छोटे कस्बों की लड़कियां शहर जाती हैं तो अक्सर बहक जाती हैं। इंदौर जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में हम आए दिन सुनते हैं कि लड़कियां पब में शराब पीते हुए पकड़ी गईं। लड़कियों का सिगरेट पीना शराब पीना बहुत सामान हो गया है। अब तो बात ड्रग्स की लत की हो चुकी है। इस लत के पालते ही पैसा चाहिए। पहले लड़कियाँ मज़े करने के लिए समझौते करती हैं और फिर लत के लिए और समझौते करने के लिए तैयार हो जाती हैं। देश में कोचिंग इंडस्ट्री का मायावी जाल बिछा दिया गया है। इनके निशाने पर हैं मध्यम वर्गीय परिवार जो अपना पेट काटकर बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजते हैं, IIT, JEE, नीट और पता नहीं क्या क्या। सच तो यह है कि सफलता सिर्फ 2-4% लोगों को ही मिलती है। बाकी के तो यूं ही समाज के दबाव में कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। पढ़ाई करने का कुछ कर जाने का जुनून तो होता नहीं, परंतु जो छात्र छात्राएं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होते हैं। 12-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनको इतना समय ही नहीं मिलता कि वो दोस्तों के साथ मस्ती के लिए टाइम निकाल सकें। 90% बच्चे तो यूं ही माँ बाप की जिद में कोचिंग करने चले जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स की कमाई इन्हीं टाइम पास करने वाले स्टूडेंट से ही तो होती है। कोचिंग इंडस्ट्री के धंधेबाज तो मेघावी और लक्ष्य प्रति गंभीर विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी देते हैं ताकि वो जब एग्ज़ाम क्लियर करें तो कोचिंग वाले उनके नाम को भुना सकें। जो माँ बाप अपने बच्चों की इच्छा के विरुद्ध समाज के ढर्रों की वजह से बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजते हैं वो भी बराबर के दोषी हैं। यही बच्चे फिर या तो विद्रोह करते हैं या मानसिक अवसाद में चले जाते हैं। जो स्टूडेंट्स ऐवे ही अपने कस्बे गांव से घूमने फिरने शहर में कोचिंग के बहाने पहुँचते हैं उनके पास समय ही समय होता है। वो शहर की चकाचौंध में फंस जाते हैं और काव्या धाकड़ उन्हीं में से एक है। झूठ अय्याशी के जाल में आदमी फंसता जाता है और अंत में वही होता है जो काव्या धाकड़ के साथ हुआ। ऐसे युवा ढीठ हो जाते हैं, उनके मायावी दोस्त ही उनको भगवान नजर आने लगते हैं और खुद के माँ बाप दुश्मन। गांव कस्बों की लड़कियां हों या रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियाँ, ये अक्सर आज़ादी को पचा नहीं पाती। अपने घरों में 24 घंटे भाई पिताजी की सुरक्षा का घेरा, गृहिणी की दबी कुचली जिंदगी का दम घुटू अनुभव उन्हें शहर में मिली आज़ादी को पंख दे देता है और वो गलत संगति में फंसकर, झूठे सुखों में फंसकर, भोग विलासिता के चक्कर में लिप्त हो जाती हैं। काव्या धाकड़ ने तो अति ही कर दी, क्योंकि शायद उसके माँ बाप ने काव्या की अनुचित मांगे मानने से इनकार कर दिया होगा। आप सोचें कि कितने ही माँ बाप अपने बच्चों के द्वारा ब्लैकमेल किए जा रहे होंगे सिर्फ इसलिए कि घर की बातें घर तक सीमित रहें। माँ बाप को बच्चों की जिद के आगे यूं ही समर्पण नहीं कर देना चाहिए। बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखना चाहिए और उनकी दिलचस्पी और उनकी योग्यता के अनुसार उनका करियर चुनने में उनकी मदद करना चाहिए।
बच्चों को भी समझना होगा कि दोस्त यार पड़ोसी सहेली रिश्तेदार क्या कर रहा है, उन्हें नहीं देखना है। तुम्हें तुम्हारी दिलचस्पी के अनुसार अपना कोर्स चुनना है और उसमें डूबकर उत्कृष्ट होना है। सफलता स्वयं ही तुम्हारे कदम चूमेगी। नमस्कार।